Today I'm going to tell you how to print an emoji using Unicode, using CLDR, and using function emoji and D emoji. So let us start and do it one by one. First of all, simple, when we print the emoji by using the emoji name, the emoji thumbs up will print the thumbs up. Then import emoji and print the Python is thumbs up. Python is thumbs up using alias. Alias means हमने बताया था छोटा नाम, जब वो true रहता है तो आप इसको print कर सकते हैं, तो output thumbs up आ जाएगा. फिर हमने red hard print किया और black hard print किया. अब हम use करेंगे Unicode. Unicode, every emoji has a Unicode associated with it. Emoji is also have a CLDR short name which can also be used from the list of Unicode. Replace plus with 000. For example, U+1F600 will become U0001F600 and prefix the Unicode with backslash and print it. So this way we can print the emoji using the Unicode. So print grinning face, print backslash U0015F60. When we give the Unicode, then it will print the grinning face. Grinning is squinting face, rolling on floor, laughing. And same way, when we use the CLDR short name grinning face, then it will print grinning face, lightly smiling face, and winking face. And same way, when we use the emoji module, emoji can also be implemented by using the emoji module provided in Python. To install it, run the following in the terminal. For that, you have to install pip install emoji, which I have already done. Emoji functions require the CLDR short name to be passed in it as a parameter. It then returns the corresponding emoji, replace the spaces with underscore in the CLDR short name. Import emoji module. अब देखिए grinning face with big eye के बीच में underscore दे रहा है, जो कि emoji को guide कर रहा है कि function में pass करने के लिए हमको use करना पड़ेगा. और दोनों तरफ कोलन लगाना पड़ेगा. तो जब इमोजी इंपोर्ट हुआ और इमोजी करके फंक्शन में हमने पैरामीटर पास किया ग्रीनिंग फेस विद बिग आई, तो वो बिग आई वाली फेस को करेगा, विंकिंग फेस करेगा, जिपर माउथ फेस करेगा. इसी तरह डीमोजी जी फंक्शन कन्वर्ट द इमोजी पास इनटू करस्पोंडिंग सीएलडीआर शॉर्ट नहीं. तो यहाँ पर इमोजी डीमोजी करेंगे जब हम, तो जो फेस दिख रहा है उसका टेक्स्ट आ जाएगा, जो हमें पैरामीटर आ जाएगा जो हम पास करते हैं. इफ दिस इज द फॉलोइंग डिबगिंग पर्पस, यू कुड यूज द परसेंट आर एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर. अब फॉर्मेटिंग अगर करना है आपको इमोजी का, तो परसेंट आर लगा करके हम उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं. और सिंपल अगर प्रिंट करना है, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि backslash U0001F605 जब हम देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा. अब हम मान लीजिए हम उनको यूनिकोड जनरेट करना है, तो हम फॉर आई इन रेंज 600 to 700 मान लो दे देते हैं, तो फेसेस का जितने भी इमोजी हैं उनका यूनिकोड जनरेट हो जाएगा. और उसके लिए हमने x वेरिएबल दिया है और उसमें हम जनरेट करना है. इसको हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट backslash U0001F+Y. Y में हमारा पहले 600 आएगा, फिर 601 आएगा, फिर 602 आएगा, क्योंकि हमने रेंज 600 से लेकर 700 तक की दे दी है. अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो रन करने पे आपको देखिए वैल्यूज डिफरेंट कोड्स की डिफरेंट आएगी. सबसे पहले हमने थम्स अप दिया था, फिर हार्ट दिया था, फिर हमने ग्रीनिंग फेस दिया है, तो ग्रीनिंग फेस आ रहा है यूजिंग यूनिकोड, ग्रीनिंग फेस आएगा, ये आ गया.
ग्रेनिंग फेस डिफरेंट यूजिंग CLDR शॉर्ट नेम ग्रेनिंग फेस आ जाएगा। फिर आया यूजिंग इमोजी मॉड्यूल, मॉड्यूल में जो हमने टेक्स्ट पास किया था पैरामीटर उसके हिसाब से आ रहा है। डी इमोजी फंक्शन यूज करके भी हम CLDR के शॉर्ट नेम को यूज करके उसके पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। डी इमोजी करने पर हमको इमोजी देना पड़ेगा और उसका नाम वो अपने आप दे देगा, ग्रीनिंग फेस विद बिग आई, ग्रीनिंग फेस विद स्माइलिंग आई, स्माइलिंग फेस विद सनग्लास। इफ दिस इज फॉर डिबगिंग पर्पस यू कुड यूज अ परसेंट आर एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन इट विल गिव यू अ फेस। सो दिस वे यू कैन मेक अ यू कैन प्रिंट द इमोजी इन पाइथन। So this is all today. If you like it, please share and subscribe. Thank you.